तो हम लोग सोचा कि लोगों की मदद भी करें और कंपनी भी चलाएं, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% हम लोग क्या करते हैं कि डोनेट करते हैं। तो हम उसको बोलते हैं कि स्माइली हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, लोगों को खिलाते हैं तो खुश होते हैं। बिजनेस करने के लिए क्लास 5th की मैथ भी काफी है, बहुत है। मोदी जी को देखो ना, माइंड सेट करके चला रहे हैं। तो टीम लीडर की तरह काम करना पड़ेगा, आपको टीम वर्क करना पड़ेगा। टीम अगर आपकी अच्छी है तो आप आगे बढ़ते रहोगे, अगर नहीं। लीडरशिप का मतलब ही यही होता है, लाइक अ फादर। बिल्कुल। फादर कैसे करता है कि बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के आपको केयर करता है। कुछ ऐसे होते हैं वर्कर्स की जो है उनको हम लोग क्या करते हैं, दिल दुखा देते हैं, उनके लिए इतना करो, उनका पूरा सपोर्ट करो हर जगह से, मोरल सपोर्ट, मनी सपोर्ट, एवरीथिंग। बट तो ऐसा ही हुआ कि मैंने उसको दे दिया, उसने क्या किया, अपना स्कैनर लगा दिया। तो जो भी पेमेंट आता था वो 10 पेमेंट में 5 पेमेंट मेरे पास, 5 पेमेंट अपने पास रखता। बहुत खराब बात है। तो कुछ चीजें होती हैं तो शायद हमको कुछ सिखाने के लिए होती है, होती हैं। एंटरप्रेन्योर को शुरुआत में बहुत कुछ सीखना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई सिखाने वाला तो होता नहीं है, इसके लिए कोई कोर्सेस तो होते नहीं है। कोई एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है जो खुद का अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, तो सबसे पहले उनका इन्वेस्टमेंट कितना कम से कम में स्टार्ट कर सकता है वो? मेन तो आपकी लोकेशन होती है, अगर आपकी लोकेशन अच्छी है, भले ही छोटी दुकान हो लेकिन लोकेशन अगर आपकी अच्छी हो तो वो आपको बहुत ही अप ले जाएगा बिजनेस के लिए, स्काई रॉकेट की तरह ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्काई रॉकेट की तरह ही जाएगा बिजनेस अपना। एक सिटी में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, अपने आप को अलग कैसे करें? देव भाई आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपकी स्टोरी जानना चाहता हूँ कि आपने टीपीडी कैसे स्टार्ट किया। टीपीडी मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, या वहाँ से लेके 9 आउटलेट्स तक आना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, सब में सबकी अलग अलग कहानियाँ हैं। तो आपको पर्सनली कहीं जाना होता तो किस पे आपको अच्छा लगता जाना, सबसे अच्छा आउटलेट का क्या लगता? अपना सबसे अच्छा आउटलेट मुझे पुणे लगता है, पुणे लगता, क्योंकि पुणे का क्या है कि क्या खास बात है वहाँ पे, वहाँ का एक अलग ही वाइब हम लोगों ने बनाया है। आप दोनों का क्या गोल है, इसको कहाँ तक लेके जाना है टीपीडी को? हम लोगों ने तो 1000 आउटलेट सोचे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2030 तक हम लोगों के 1000 आउटलेट हों। अभी तो दो ही साल ही हुआ है हम लोगों को। नौ कितने साल में हुए? 2 साल के अंदर अभी हुए, अभी 2 साल भी नहीं हुआ, 9 आउटलेट हो गए। आपका कोई टीबीडी मुंबई फूड फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है और उनको इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी उसमें? लेकिन अगर कोई 8 से 10 लाख रुपये में आपकी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो आप उसको कैसे हेल्प आउट करोगे, क्या क्या हेल्प आउट उसको करोगे आप? हाउ टू बिकम रिच, अमीर कैसे बने? मुकेश अंबानी भी काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं, बंद नहीं किया, बंद नहीं किया, बंद करेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो आपको प्रोसेस का ही तो मजा है, परमानेंट काम करते रहे, बिल्कुल परमानेंट काम करना ही पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर किसी को 1 लाख रुपए कमाने, 1 लाख रुपए कमाने तक पहुँचना तो क्या करना चाहिए, सबसे आसान तरीका? धीरे धीरे, आज 4000, फिर 10000, फिर 20000, फिर 50000, धीरे धीरे करके आप उस तक पहुँच जाएंगे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी मैंने पढ़ी है, बहुत बढ़िया, उसमें बहुत ही अच्छी चीजें लिखी हुई है कि आप कैसे छोटे छोटे गोल्स आप सेट करिए। मनी के ऊपर मुझे लगता है सबसे बेस्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। उससे कई सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगे। आपका फेवरेट बिजनेसमैन कौन है, एंटरप्रेन्योर, जिसको आप देखते हो? अभी तो मैं अनुभव दुबे को देख रहा हूँ, जिन्होंने लगता है बिल्कुल सिंपल नेचर है और बहुत ही सपोर्टिव है, सबका सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं, मेरे से भी बात बात होती रहती है, तो बहुत ही जल्दी हम मिलने वाले हैं और इस कंपनी को कैसे और ग्रोथ करना है उनके साथ सीखेंगे। आप जितनी जल्दी आप एक्शन लोगे, बिल्कुल एक्शन ले, जल्दी फेल हो, बिल्कुल एक्शन ले, जल्दी फेल हो, और जितनी जल्दी फेल होगे उतनी जल्दी फिर से एक्शन लोगे, फिर दोबारा एक्शन लोगे, फिर जल्दी सपोर्ट होगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं देव गुप्ता, द को फाउंडर ऑफ टीपीडी मुंबई फूड। देव भाई ने बिजनेस एक्सपीरियंस गेन करने के लिए 3 साल फ्री में जॉब किया और बिजनेस सीखा, कनेक्शंस बनाए, तब जाकर उन्होंने अपना फर्स्ट बिजनेस लखनऊ में स्टार्ट किया और कुछ ही दिनों में उनका फर्स्ट बिजनेस फेल हो गया। लेकिन कहते हैं ना, फेलियर इज़ द की टू सक्सेस, ईच मिस्टेक टीचेस अस समथिंग, और उन्होंने इस फेलियर से देव भाई ने सीखा और दोबारा अपना बिजनेस स्टार्ट किया टीपीडी मुंबई फूड अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर, और उन्होंने वापस मुड़कर दोबारा कभी नहीं देखा। देव भाई ने शुरुआत किया मुंबई से, लेकिन वो वहाँ पे रुके नहीं, उन्होंने अपना नेक्स्ट आउटलेट स्टार्ट किया पुणे में, फतेहपुर में, कानपुर में, लखनऊ में, अयोध्या में, और बहुत जल्द हरदोई, प्रयागराज और इंदौर में भी अपना नेक्स्ट आउटलेट ओपन करने जा रहे हैं। देव भाई ने अपनी मेहनत और टेक्नोलॉजी की मदद से अपने बिजनेस को फुली ऑटोमेशन करके 2 सालों में 7 रेस्टोरेंट्स और 2 क्लाउड किचन्स ओपन करके दिखाया है। देव भाई 2030 तक टीपीडी मुंबई फूड के 500 आउटलेट्स ओपन करना चाहते हैं और इंडिया के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार प्रोवाइड करना चाहते हैं। देव भाई अपने बिजनेस प्रॉफिट से गरीबों की हेल्प करते हैं और महीने में 100 से 200 गरीब लोगों का पेट भरते हैं। इस पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है फूड एंड रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में, हाउ टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट बिजनेस, हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू हायर द राइट पीपल फॉर योर बिजनेस, हाउ टू फाइंड द बेस्ट लोकेशन फॉर योर बिजनेस। तो इसीलिए पूरे पॉडकास्ट को रिलैक्स होकर और पूरे ध्यान से
सुनिए। हेलो देव भाई, कैसे हो आप? बस बढ़िया अनु, कैसे हो आप? मैं भी मस्त। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। बढ़िया बढ़िया। तो सबसे पहला सवाल ये होगा कि मैं जानना चाहता हूँ कि आपके मन में कैसे आया रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में घुसने का? देखो, मैं पहले बाहर रहता था तो मैं देखता रहता था कंपनियां कैसे चला रहे लोग। तो मतलब मेरे दिल में एक बार आया कि मैं भी कोई कंपनी बनाऊं, ऑन करूं उस कंपनी को। और फिर एंटरप्रेन्योर के बारे में सुना, मेरा भी फील हुआ कि यार ठीक है करते हैं। फिर कोविड स्टार्ट हुआ तो फिर हम लोग ब्रेक डाउन किए। देन उसके बाद ड्रीम था कि एक कंपनी स्टार्ट करनी है और पूरा एक पूरे पेन इंडिया में फैलाना है अपने काम को और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है। माइंड सेट था कि लोगों को अपने साथ काम कराना है, रोजगार प्रोवाइड कराना है। तो माइंड सेट करके हम लोग पैसे इकट्ठा किए। देन उसके बाद फिर एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए सोचा। और फिर हमारे एक बाबा जी हैं जिनके नाम से हम लोगों ने कंपनी खोली है, टीपीडी मुंबई फूड, जिनका नाम है तपस्वी पूरनदास जी महाराज। तो उनसे भी हम लोग बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी कि लोग को कैसे मदद करते थे। तो हम लोगों ने सोचा कि लोगों की मदद भी करें और कंपनी भी चलाएं। जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% हम लोग क्या करते हैं कि डोनेट करते हैं। और आपको दिखाएंगे भी, कुछ वीडियोज हैं मेरे, तो उसमें हमने कैसे लोगों को दिया है, खिलाया है, खाना प्रोवाइड कराया। तो हम उसको बोलते हैं कि स्माइली हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, लोगों को खिलाते हैं तो खुश होते हैं। तो इसी माइंडसेट से हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट की, टीपीडी मुंबई फूड। बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे लोगों से मिलके, क्योंकि जॉब मांगने वाले तो लाखों करोड़ों में है ना। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जॉब प्रोवाइड करने वाले बहुत कम है और इंडिया को ऐसे ही लोगों की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। बिल्कुल। तो दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने ग्रेजुएट किया है फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, प्रयागराज यूनिवर्सिटी से। जी जी जी। और उसके बाद भी मैंने सोचा कि जो है ये कंपनी स्टार्ट करते हैं फूड इंडस्ट्री मेरा, मतलब मेरे फादर भी कैटरिंग का वर्क करते थे तो इस वजह से मुझे लगा कि फूड इंडस्ट्री बिजनेस फील्ड में कोई आपने एजुकेशन लिया है? नहीं, ऐसे नॉर्मल सेट के है ना। आप इसके लिए कोई इसे कोई कोर्स नहीं करना होता है इसके लिए, सिर्फ आपको क्या है, आपका माइंडसेट होना होता है कि कैसे क्या कैलकुलेशन करनी है। तो अगर आप कैलकुलेशन करने में वहां ही रहे और चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं तो फिर आप कोई भी कंपनी। क्लास 5th की मैथ भी काफी है, बहुत है। मोदी जी को देखो ना, माइंडसेट करके चला रहे हैं। तो उसके लिए कोई ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है, आपका सिर्फ माइंड सेट होना चाहिए, चीजों की कैलकुलेशन करनी चाहिए, बस। उसके बाद फिर आप बिजनेस फील्ड में सबसे बड़ा एजुकेशन जो होता है एमबीए होता है। एमबीए के बारे में आप कह रहा है कि किसी को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एमबीए करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। एमबीए करोगे 10-12 लाख रुपए खर्च करो, इससे अच्छा किसी कंपनी में आप जॉब करो, उसका सब सेटअप जानो, कैसे क्या करते हैं, कैसे टारगेट अचीव करते हैं, कैसे उसका मार्जिन प्रॉफिट निकालते हैं। मेन होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर आपने निकालना सीख लिया तो आपको एमबीए करने की जरूरत ही नहीं। आप एमबीए, बहुत सारे एमबीए ग्रेजुएट से मैंने बात की है तो मैंने देखा है कि इतने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद और अपने आप को एजुकेशन में इतना इन्वेस्ट करने के बाद एक तो उनके अंदर फियर बहुत आ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी हट जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, एमबीए में मुझे बहुत पसंद है, मैं भी इन फ्यूचर एमबीए करना चाहूंगा, रिस्पेक्ट करता हूँ उस चीज की। लेकिन ये मैंने देखा है कि इतना ज्यादा लोन लेकर इतना बड़ा एजुकेशन लेने के बाद उनके अंदर फियर आ जाता है और रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं रहती है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे बड़ा चीज ही रिस्क होता है और रिस्क फैक्टर वहां से हट जाता है। मुझे लगता है एमबीए ज्यादातर मैनेजर्स बनाता है, बिल्कुल एंटरप्रेन्योर्स नहीं, वो मैनेजर बनाने के लिए ज्यादा मैनेजमेंट करना सिखा देता है। तो देव भाई, जब आपने बिजनेस के बारे में अपने घर पे बताया कि मम्मी पापा मुझे बिजनेस फील्ड में जाना है, मुझे बिजनेस करना है, तो उनका कैसा रिएक्शन था? नहीं, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है स्टार्ट करो, कोई इशू नहीं है। फिर इस तरह अगर सब लोगों ने सपोर्ट किया तो फिर मैं आगे बढ़ा और फिर मैंने पहला आउटलेट अपना खोला ये फतेहपुर में और उसका अच्छा रिस्पांस था, बहुत अच्छा रिस्पांस, क्योंकि मैं बिल्कुल चेंजमेंट लेकर आया था। वड़ा पाव का स्टार्ट किया था, अर्बन वड़ा पाव सिटी में पहली बार आपने इंट्रोड्यूस करवाया था? बिल्कुल बिल्कुल, वड़ा पाव लेकर आया था। तो ये मुंबई में मैं खाया हुआ, मुझे पसंद आया तो मैंने सोचा अपने फतेहपुर लोगों को भी खिलाऊं। तो वड़ा पाव का स्टार्ट किया और बहुत ही सपोर्ट मिला सबका। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? जॉब्स का था कि बिजनेस? नहीं, बिजनेस का था। मेरे डैडी जो है कैटरिंग का काम करते थे तो इस वजह से मुझे उसमें काफी नॉलेज था। तो इस वजह से मैंने सपोर्ट भी मिला, डैडी का भी सपोर्ट मिला, फैमिली का भी सपोर्ट मिला, तो इसके लिए मैं आगे बढ़ा। तो देव भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पहला फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो उसके लिए कैपिटल लगता है? बिल्कुल। कैपिटल का जुगाड़ कहाँ से किया आपने? कैपिटल तो जो है हम लोगों ने सेविंग अपनी कर रखी थी, क्योंकि जब मैंने सोचा एक साल पहले से तो उसका सेविंग स्टार्ट कर दी थी और 5-6 लाख रुपए हम लोगों को इकट्ठा किया। देन उसके बाद आउटलेट डाला, क्योंकि फर्स्ट आउटलेट था तो उसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल लग गई, आइडिया था नहीं, फर्नीचर, किचन इक्विपमेंट्स और डेकोरेशन, तो फर्स्ट आउटलेट में काफ़ी पैसा लगा। देन सेकंड आउटलेट में फिर हम लोगों को ज़्यादा पैसा भी नहीं लगा, आइडिया भी हो गया कि इसमें क्या पैसा हम लोग बचा सकते हैं। हाँ, फिर पार्टनर मिल गया, विश्वराज सिंह तपस्वी हमारा पार्टनर, तो उसी के साथ मिल गया हम लोगों ने फिर आउटलेट खोलना स्टार्ट किया।
तो देव भाई, सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैंने देखा है आपको कि आप सोशल मीडिया बहुत यूज करते हो अपने बिजनेस को प्रमोट करने बिल्कुल, के लिए बिल्कुल। तो आपके हिसाब से सोशल मीडिया मार्केटिंग कितने फायदेमंद है एक बिजनेस के लिए? इस टाइम पे तो सोशल मीडिया मतलब पीक पे चल रहा है, तो आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना ही पड़ेगा, सपोर्ट फुल सपोर्ट करना पड़ेगा। जी, जी, जी। क्योंकि क्या है कि जो भी फैमिली है इस समय यूथ पूरा इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, और इंस्टाग्राम का कौन सा प्लेटफॉर्म आपको सबसे अच्छा लगता है अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए? वन ऑफ द बेस्ट इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम तो अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, टैगिंग हो गया, एक दूसरे को सपोर्ट के लिए बुलाते हैं, तो उसमें ऑफर्स भी निकालते हैं हम लोग, तो सब एक दूसरे को, जितने भी कस्टमर मेरे हैं तो सारे कस्टमर मेरे इंस्टाग्राम पे अवेलेबल रहते हैं। इंस्टाग्राम को रख के हमें वैसे अपने आप को वाइड हर जगह प्रेजेंट होना बिल्कुल सब जगह, हाँ हर जगह यूज हो रहा है, लेकिन इंस्टाग्राम जो है इस समय पीक पे चल रहा है। प्रायोरिटी इंस्टाग्राम को ही देनी चाहिए, यूथ वही है, यूथ सारा वहीं पे, इसलिए हम लोगों ने हर जगह सेल्फी पॉइंट एक रखा है टीपीडी मुंबई फोन का। तो और दूसरा ये भी तो है, अभी क्या नाम है, जोमेटो स्विगी वगैरह उसमें आप रजिस्टर है? सब जगह जितने भी मेरे आउटलेट है, मुंबई, पुणे, लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर, सब जगह अपने जो है जोमेटो स्विगी से अवेलेबल। अगर हमारे व्यूवर्स में से किसी को आपके आउटलेट से कुछ खाना मंगाना हो तो कैसे जोमेटो स्विगी से कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा उन्हें? आप जोमेटो के ऐप खोलिए और टीपीडी मुंबई फूड जैसे ही डालेंगे आप, तो आपको टीपीडी मुंबई फूड सबसे ऊपर दिखेगा, अच्छी खासी रेटिंग से सबसे ऊपर आएगा। और क्योंकि जो भी ऑर्डर करते हैं तो अच्छे रिव्यू भी आते हैं, और अगर आप जोमेटो के थ्रू मंगाएंगे और उसमें आपका नाम अगर आता है तो उसमें हम लोग डिस्काउंट भी दे देंगे। तो देव भाई, मैंने आपके अंदर ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि आप एक बहुत अच्छे पीपल पर्सन हो, आपका बिहेवियर कस्टमर्स के साथ, अपने स्टाफ्स के साथ बहुत अच्छा है। तो आप क्या, आपको क्या लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर में ये खूबी आपको कितना हेल्प कितना करती है? ये तो मोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कैसे आप किसको डील करते हो, अपना स्टाफ बिल्कुल ऐसा उसको बिहेव करना है कि वो लाइक अ ब्रदर, अगर आप उनको ऐसे नहीं करोगे तो दूसरा आपको उससे अच्छा रिस्पेक्ट देगा, तो वो दूसरी जगह, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत नहीं होती, प्यार की जरूरत है। अगर प्यार नहीं करोगे तो दूसरी जगह काम करने लगेगा। और लाइक अ फैमिली, जो अपने वर्कर्स होते हैं तो उनको हम वर्कर नहीं बोलते, हम लोग बोलते सेवक, है ना। तो अपने सेवक के, एंटरप्रेन्योर्स के अंदर ये खूबी होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आपको बढ़ना है तो टीम लीडर की तरह काम करना पड़ेगा, आपको टीम वर्क करना पड़ेगा। टीम अगर आपकी अच्छी है तो आप आगे बढ़ते रहोगे, अगर नहीं, लीडरशिप का मतलब ही यही होता है, लाइक अ फादर। बिल्कुल, फादर कैसे करता है कि बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के आपको केयर करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही करना ही पड़ता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली हो जाते हैं, वो अपने वर्कर नहीं होते, फैमिली होता है। अगर फैमिली जैसे डील करोगे आप, तो फिर वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, और आपका जहाँ पे गलत हो रहा होगा वो सपोर्ट करेंगे आपका, तो बिल्कुल आपको जो है फैमिली की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। तो आप कैसे हायर करते हो, आप क्या देखते हो एक एम्प्लॉय के अंदर, अपने स्टाफ के अंदर, कि हाँ मतलब स्किल्स तो चलो ठीक है, अगर स्किलफुल नहीं है तो आप उनको सिखा भी दोगे, लेकिन एक क्या मेन उनके कैरेक्टर पे क्या देखते हो कि नहीं ऐसे लोग मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखूंगा? मैं तो सबसे पहले ये देखता हूँ कि वो सपोर्टिव है कि नहीं, सपोर्ट करना उनको आता है कि नहीं आता, वो कैसे बात कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि कस्टमर क्या है कि कस्टमर लाइक अ गॉड, सब लोग जानते हैं भगवान है, कोई भी कस्टमर आता है कैसे डील करना है। तो अगर आप कस्टमर को प्यार दोगे तो नेक्स्ट टाइम फिर आएगा। अगर अब वो हर जगह में अवेलेबिलिटी नहीं रहती ना, मैं कि मैं हूँ नहीं हूँ, तो उसको जो डील करता है वो अपना वर्कर ही डील करता है। तो अगर अपना अगर वर्कर अच्छा है, उसको डील करना आता है कस्टमर को, तो फिर वो अपना वो बेस्ट रहेगा अपने लिए, ऐसा रहता है। तो ये तो आपने अच्छी अच्छी बातें उनके बारे में बताई, कोई कभी ऐसे कोई खराब चीज़ है स्टाफ ने, स्टाफ की चीज़ में आकी कोई एक्सपीरियंस है, कोई खराब एक्सपीरियंस आपके स्टाफ के साथ? हाँ, कुछ कुछ ऐसे होते हैं वर्कर्स की जो है, उनको हम लोग क्या करते हैं कि दिल दुखा देते हैं, उनके लिए इतना करो, उनका पूरा सपोर्ट करो हर जगह से, मोरल सपोर्ट, मनी सपोर्ट, एवरीथिंग, बट वो क्या होता है कि उनको थोड़ा सा लगता है कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, और फिर वो गलत जगह पे। अब तो आप हैबिचुअल हो गए होगे ये सब करते, सारी चीजें शुरुआत में बहुत ज्यादा हर्ट करती हैं, बहुत ज्यादा हर्ट करती है, बट अब तो क्या है कि हर जगह से मिलता ही रहता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, यूज्ड हो गए। अब यूज्ड कोई ऐसी कहानी आप बताना चाहोगे कि यार उसके लिए बिना नाम लिए कि यार इसके लिए मैंने इतना कुछ किया लेकिन इसने बाद में रंग दिखा दिया, मुझे बाद में बहुत अफसोस हुआ, बहुत खराब लगा, हर्ट फील हुआ। लखनऊ शॉप है मेरी, तो वहाँ पे एक मैनेजर मैंने कहा था, बहुत अच्छा बंदा था और दिल का भी बहुत अच्छा था, धीरे धीरे दोस्त बन गया, दोस्त बन गया। मैंने उसको पूरा सब कुछ उसको सौंप दिया, क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना जो भी बिजनेस रहता है उसको मैं 60% देता हूँ स्टार्टिंग में, देन उसके बाद फिर मैं उसको वर्कर के हवाले कर देता हूँ कि तुम मैनेज करो, क्योंकि अब क्या है कि अब मैं देख नहीं पाऊँ, फिर मैं दूसरी जगह अपना काम स्टार्ट करता हूँ। तो ऐसा ही हुआ कि मैंने उसको दे दिया, उसने क्या कि अपना स्कैनर लगा दिया
तो जो भी पेमेंट आता था वो 10 पेमेंट में 5 पेमेंट मेरे पास, 5 पेमेंट अपने पास रखता था। खराब बात है। तो ये सब चीजें फेस करनी पड़ती है और फिर देखना पड़ता है कि कैसे कौन क्या कर रहा है। तो अगर अब तेवर भी तो बदल जाते हैं इंसान के, एक तो गलती करते हैं ऊपर से तेवर बदल जाते हैं। नहीं तो फिर क्या है वो, फिर अगर आपने हटा दिया फिर दूसरी जगह करेगा फिर उसको बहुत टाइम लगेगा ग्रोथ करने में। अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा बढ़ने में। अगर आप सपोर्ट करोगे तो जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी वैसे वैसे आप भी बढ़ोगे, आपकी भी सैलरी बढ़ेगी। अगर आप गलत करोगे तो फिर आप वहां से हट जाओगे। ये चीजें ना, ये चीजें इनिशियल जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं बहुत ज्यादा फेस करते हैं, क्योंकि वो एक पॉजिटिव माइंडसेट से अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। फिर ऐसे बैड एक्सपीरियंस उनके साथ होते हैं ना, धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा कठोर हो जाते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं अगर हम लोगों को अगर पानी देते रहोगे तो हम लोग ग्रोथ करते रहेंगे और ग्रोथ करेंगे तो फल आपको ही मिलेगा। और जब ऐसे वर्कर करते हैं तो वो खत्म ही हो जाता है। अगर आप चोरी करोगे या कुछ ऐसा करोगे तो क्या होगा कि थोड़े दिन बाद कंपनी बंद हो जाएगी, फिर आप भी घूमोगे हम लोग भी। तो हम लोगों का यही रहता है कि सपोर्ट करते रहोगे, ग्रोथ होंगे तो आपको भी उसका फल मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल, टेक टाइम। तो हर चीज सक्सेस होती है, टाइम ठीक हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ चीजें होती हैं तो शायद हमको कुछ सिखाने के लिए होती है। एंटरप्रेन्योर को शुरुआत में बहुत कुछ सीखना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई सिखाने वाला तो होता नहीं है, इसके लिए कोई कोर्सेस तो होते नहीं है। ये तो सब एक्सपीरियंस के ही बदौलत जो है आप बढ़ते रहोगे, सीखते रहोगे। ये सब चीजें भगवान टेस्ट फेंकता है, बिल्कुल, उसमें आपको बस पास होते रहना है। जितना आपकी लाइफ में आपको टफ सिचुएशन मिलेंगी उतना आप ग्रोथ होगे। जितनी आपकी हाई जंप के लिए जितनी जगह खाली होगी उतना भी लंबा आपको जंप मारना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में आती रहेंगी और आपको टेक करके उसको आगे बढ़ते रहना चाहिए, यही होता है। तो दूसरा सवाल ये होगा देव भाई कि स्टाफ जो आप हायर करते हो, ठीक है, हायर करने के बाद उसका जो बिहेवियर होता है, आपने अभी बताया है कि अपना बिजनेस बिल्कुल उनके ऊपर शॉप देना होता है, क्योंकि अगर एंटरप्रेन्योर सिर्फ एक ही शॉप में लगा रहेगा तो बाकी चीजों में वो फोकस नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, तो उनके बिहेवियर से क्या इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे? बहुत ज्यादा। मेन वो फेस वैल्यू वही होते हैं हम लोगों के। अभी क्या, हम लोग जैसे काम कर रहे हैं, अगर हम लोग हर जगह अवेलेबल रहेंगे तो फिर दूसरी जगह हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो फेस वैल्यू उन्हीं की रहती है। अगर वो अच्छे से कस्टमर को डील करेंगे तो फिर क्या होगा कि कस्टमर एक रिलेशन बन जाता है कस्टमर का और फिर वो हमेशा आता रहेगा। अगर आपने उनको बैड एक्सपीरियंस दिया तो देन वो कभी नहीं आएगा। तो उनसे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अल्टीमेटली तो हम लोग किसी भी जगह पे जाते हैं तो इंसानों के लिए जाते हैं, वो इमोशन जुड़ा होता है। जो आपने देखा ना फेसबुक में कि हम लोग जो एक ही बार बार के पास जाते हैं जिससे एक कनेक्शन हो जाता बिल्कुल, है, भले ही वो बहुत अच्छा बाल ना काटता हो, लेकिन जब उसको दिल से कनेक्शन होता है ना, बचपन से यार इसके पास जा रहे हैं, अभी भी इसी के पास। अगर आपका टेस्ट अच्छा है और आपका एक्सपीरियंस अच्छा दे रहे हैं, टेस्ट अच्छा दे रहे हैं और बिहेवियर आपका अच्छा है तो वो कस्टमर कहीं भी नहीं जाएगा। कभी कभी क्या होता है टेस्ट में भी कुछ अगर कुछ कमी रह जाती है लेकिन आपका बिहेवियर अच्छा रहा तो वो फिर आएगा कस्टमर। वो आपका एक बॉन्डिंग बन जाती है, एक रिलेशन बन जाता है, वो हमेशा आता रहेगा। तो फेस वैल्यू और आपका जो नेचर है वो कस्टमर को अपने पास बुलाता है, वो अट्रैक्ट करता है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है और कुछ नहीं। सुदेव भाई, बहुत सारे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आपके जैसे बनना चाहते हैं, अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनकी तरफ से कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो ऐसे कौन से आपको ऐसे मिथ्स लगते हैं जो कि रेस्टोरेंट बिजनेस में घुसने से पहले उनको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है? जो लोग ग्लोरी बना के रखे हैं ना अपने मन में कि बिजनेस ऐसा होता है वैसा होता है, आप रियलिटी बताइए, इस बिजनेस में घुसने से पहले उनको पता होनी चाहिए। बिजनेस कोई इतना बड़ा वो नहीं है जैसे कि कोई सोचता है कि मुझे करने में ये दिक्कत होगी वो दिक्कत होगी। मेन होता है कैपिटल और फिर होता है लोकेशन। अगर आपकी कैपिटल है आपके पास और लोकेशन है, थोड़ा सा आइडिया है आपको फूड इंडस्ट्री का, तो आप कर सकते हो अच्छे से। उसका लाइसेंस कैसे कहाँ मिलेंगे, आजकल तो यूट्यूब है, आप यूट्यूब पे गए, आपने हाउ टू ओपन कैफ़े, हाउ टू ओपन फ्रेंचाइजी आउटलेट्स, तो आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। फिर उस पर आप वर्क करो, एक गोल सेट करो कि मुझे 2 महीने के अंदर ये ओपन करना है। आपको अच्छा वर्कर चाहिए होगा तो वर्कर देखिए, नहीं तो फिर हमारी फ्रेंचाइजी है, आप फ्रेंचाइजी आउटलेट डालिए, उसमें हम लोग सपोर्ट करेंगे फुल। आपके लाइसेंस हो गया, फसाई लाइसेंस हो गया, जोमेटो से कैसे टाई अप करना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करा के हेल्प आप भी कर सकते हैं। तो आपके नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर है, हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो उसको हम बता सकते हैं और ईजिली हो जाएगा। जैसे आपको टफ लगेगा तो हम लोग सब ईजी करके दे देंगे सारी चीज़ें। कोई एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है जो खुद का अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता है तो सबसे पहले उनका इन्वेस्टमेंट कितना कम से कम में स्टार्ट कर सकता है वो? मिनिमम 8 से 10 लाख रुपए लगता ही लगता है, क्योंकि किचन इक्विपमेंट्स हो गए, आपका
डेकोरेशन हो गया, फर्नीचर्स हो गए, लाइट का सेटअप हो गया, सारा चीजें मिला के 8-10 लाख रुपए खर्चा चला जाता है। तो अगर आपके पास इतनी कैपिटल है तो आप उसको अच्छे से सेट करके उसको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि फसाई जोमेटो सारे लाइसेंस लेने होते हैं काफी। ये तो फर्स्ट टाइम हो गया, बिल्कुल फर्स्ट टाइम कैपिटल हो गया। मंथली कितना लगता है? मंथली आपको रेंट निकालना है, वर्कर की सैलरी निकालनी है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल निकालना है, प्लस आपको पर मंथ कोई ना कोई ऐसा खर्चा आ जाता है। मैं आप मिसलेनियस खर्चे आप देख लो कि लाइट का कोई वायर खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया, तो एक मिसलेनियस खर्चे भी अपने डाल के मिनिमम बैलेंस लेकर चलना ही चाहिए। और कितना मिनिमम बैलेंस लेकर चलें? 2-3 मंथ का आपके पास मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, कि 2-3 मंथ अगर हमको आउटलेट चलाने में दिक्कत हो तो आपको 2-3 महीने का आपको बैकअप रखना चाहिए। बिल्कुल इमरजेंसी फंड कह सकते हो आप उसको, इमरजेंसी फंड बना के रखना ही चाहिए, तभी आपका आउटलेट चलता रहेगा। हर 2-3 महीने का, हर मंथ में 2-3 महीने का कवरअप करके चलना ही चाहिए, तो ऐसे आपको सेटअप करना पड़ेगा। तो रेस्टोरेंट खोलने से पहले हमें कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ती है और उसमें कितना खर्चा आता है? आपका मेन हो गया फसाई लाइसेंस। फसाई लाइसेंस आपका 2-3 हज़ार रुपये में बनता है। वो फसाई लाइसेंस आपको जोमेटो में भी हेल्प करेगा। सेम है कि सिटी टू सिटी वेरी करता है? नहीं, हर जगह का अलग है। महाराष्ट्र जैसे हमारा आउटलेट है पुणे में, मुंबई में, तो वहाँ का अलग था, लखनऊ का अलग है, यूपी का अलग है अपना, तो हर जगह का अलग अलग है। तो एक बेसिक अमाउंट बताइए कि यहाँ मतलब 2-3 हज़ार रुपये मिनिमम लगता ही लगता है। फायर का लाइसेंस लगता है, फायर का हो गया, फसाई, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो रेस्टोरेंट खोलने के लिए आपके हिसाब से लोकेशन कितने इम्पोर्टेंट है? ये तो सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी लोकेशन क्या है। लोकेशन ऐसी चुननी चाहिए, मेन मार्केट हो, मेन चौराहा हो, या फिर कोचिंग्स हो, स्कूल्स हो उसके आसपास की। और मेन होता है पार्किंग, वो भी देख के मतलब रखना चाहिए कि हाँ भाई पार्किंग, कोई कार से आया या कोई बाइक से आया तो खड़ी होनी चाहिए, नहीं कि आगे पीछे करने वाला कोई हो। तो मेन तो आपकी लोकेशन होती है। अगर आपकी लोकेशन अच्छी हो, भले ही छोटी दुकान हो, लेकिन लोकेशन अगर आपकी अच्छी हो तो वो आपको बहुत ही अप ले जाएगा बिजनेस के लिए, स्काई रॉकेट की तरह ऊपर। बिल्कुल 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 स्काई रॉकेट की तरह ही जाएगा बिजनेस अपना। रेंट बिजनेस जो खोलना चाहता है तो उसके लिए आप बताइए कि अगर आप अपने रेस्टोरेंट के लिए वो स्टाफ हायर करना चाहता है तो उसे कैसे हायर करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसको देखनी चाहिए? फर्स्ट टाइम जो रेस्टोरेंट ओनर है, बनने जा रहा है, उसको क्या क्या देखना चाहिए? उसका बिहेवियर देखना चाहिए और उसका एक बार टेस्ट लेना चाहिए कि कैसे उसने पहले काम किया है, किस शॉप पर काम किया है, तो उसे पूछना चाहिए। उसके बाद फिर अपने हिसाब से उसको मेनटेन करना चाहिए कि अब हमारा क्या टेस्ट, क्योंकि क्या है सबका अलग अलग टेस्ट रहता है, सबका अलग अलग। अब महाराष्ट्र में स्पाइसी बहुत लोग खाते हैं, यहाँ यूपी में इतना मसालेदार चीज़ें खाते हैं, तो सब्जी का अलग अलग टेस्ट होता है। अब कोई वहाँ का महाराष्ट्र का आपका वर्कर है तो वो अलग बनाएगा, यहाँ का एक अलग बनाएगा, तो आपको वो टेस्ट लेके ही आपको हायर करना चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से भी देखना है ना। हर स्टाफ का अलग अलग बिहेवियर होता है। जैसे वेटर्स की अलग चीज़ें देखनी होगी कि उनके बिहेवियर कैसा है वेटर्स के लिए, उसमें ये चीज़ देखनी चाहिए। बिल्कुल, वेटर्स का क्या है कि वेटर अलग बिहेवियर पे रहते हैं, उनकी सैलरी अलग होती है, तो उनका जो है वे ऑफ टॉकिंग देखनी पड़ती है, कैसे क्या आप कस्टमर को डील कर रहा है, क्योंकि फेस वही होता है कि कैसे मैनेज कर रहा है। तो कस्टमर अगर फेस वेटर होते हैं और टेस्ट टेस्ट सेफ होता है, बिल्कुल दोनों का ही कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, तभी आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, वरना फिर वरना। तो देव भाई, तो एक सिटी में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, अपने आप को अलग कैसे करें, यूनिक कैसे करें अपने आप को? मेन तो आपका होना चाहिए कि आपकी लोकेशन क्या है। लोकेशन अगर आपकी अच्छी है, कस्टमर डीलिंग आपकी अच्छी है, टेस्ट आपका अच्छा है, तो फिर आपको रेस्टोरेंट क्या होता है, बहुत लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं, बहुत जल्दी 2-3 महीने में गिवअप करके बंद कर देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। बिजनेस को आपको लाइक अ ट्री, आपको टाइम लगता है, धीरे 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 कम से कम 2-3 साल आपको ग्रोथ करने में लगता है, देन उसके बाद फिर आप ऐसे पीक पे जाओगे कि आपको टाइम नहीं लगेगा ग्रोथ करने में, फिर जीवन भर वो आपको देगा। एक पेड़ होता है, बहुत पेशेंस सही होता है, जब नाम हो जाएगा आपका, एक ब्रांड हो जाएगा आपका, ब्रांड वैल्यू हो जाएगी, फिर आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तुरंत नहीं होता है। देव भाई, एक रेस्टोरेंट की वाइब और माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? लोग शायद माहौल और वाइब के लिए ही बहुत बार रेस्टोरेंट विजिट करते हैं, तो उसको कैसे मेंटेन करें? आपको जैसे यूथ आ रहा है, आपका टारगेट यूथ है, तो उनको चाहिए एक सेल्फी पॉइंट हो गया, टीवी हो गई, आईपीएल चल रहा है,
एसी हो गया, ये सारी चीज़ें देखना पड़ता है, वाईफाई हो गया, फ्री वाईफाई आप दीजिए और रेट आपका पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब देंगे, टाइम टू टाइम कोई ऑफर्स निकालते रहना, टाइम टू टाइम ऑफर निकालने चाहिए, दिवाली में अलग और होली में अलग, तो इस तरह के ऑफर्स कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो आपको उसको मेन इंपॉर्टेंट देनी चाहिए। ऑफर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देव भाई, आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपकी स्टोरी जानना चाहता हूँ कि आपने टीपीडी कैसे स्टार्ट किया। टीपीडी मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, मतलब मैंने कहीं भी कोई ब्रांड देखता था, डोमिनोज हो गया, बर्गर किंग हो गया, तो ये सारी चीज़ें मैं जब देखता था तो मेरा मन करता था कि मेरी भी एक ऐसी कंपनी हो। फिर मेरा एक दोस्त है जो मेरा मतलब 10-12 साल से मेरा साथ था, उसको भी इसी तरह का एक काम करना था और अपने बाबा जी के नाम से काम करना था, तो विश्वराज सिंह तपस्वी जो मेरा इस कंपनी का फाउंडर है, मैं को फाउंडर हूँ, तो हम लोगों ने नाम चुना टीपीडी। टीपीडी का मतलब होता है कि तपस्वी पुरंदास जी, वो हम लोगों के महाराज हैं, बाबा जी हैं, उन्हीं के नाम से हम लोगों ने स्टार्ट किया टीपीडी मुंबई फूड। तो फर्स्ट आउटलेट हम लोगों ने डाला मुंबई में, देन सेकंड पुणे में, फिर फतेहपुर में, फिर धीरे धीरे इस तरह क्लाउड किचन भी कई सारे हम लोगों ने डाले। अभी अयोध्या में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना टीपीडी मुंबई फूड। टोटल में हम लोगों के 9 आउटलेट हो चुके हैं, जिसमें क्लाउड किचन भी है और अपने स्टोर भी हैं। जी, आप मुझे कुछ वीडियोस प्रोवाइड करिएगा, हम अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, कैसे आपने सारी चीजें, सारे सारे हम लोगों ने जो भी बनाए सारे अलग लेवल पे बनाए, सबका कॉन्सेप्ट अलग रखा है, यूथ के लिए भी रखा है और छोटे भी आउटलेट है अपने, और हर टाइप के रेस्टोरेंट और आउटलेट हम लोगों ने डाले हैं। सबसे प्यारा एक्सपीरियंस कब था? फर्स्ट वाले में हम लोगों ने बहुत मतलब मेहनत की, जगह का बिल्कुल हर चीज सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था हर जगह से, क्योंकि मुंबई में हम लोगों ने खोला, नया नाम था ना, बिल्कुल नया नाम था, हम लोगों को ब्रांड भी बनाना था, सारी चीजें देख के, और मुंबई जैसे शहर में ओपन करना बहुत रेंट था, सारी चीजें देख के। पहला कहाँ खोला था? फर्स्ट आउटलेट अपना मुंबई में था, खारघर। ठीक ठीक, जब आपने खोला तो लोगों का क्या रिएक्शन था, वहाँ के कस्टमर्स का क्या रिएक्शन था? आइडिया हम लोगों के पास था, हम लोगों का जो गोल था, सेट था कि हम लोगों को आउटलेट और भी डालने हैं, ये तो फर्स्ट आउटलेट है लेकिन हम लोगों को कई सारे आउटलेट डालने थे, तो एक्सपीरियंस अच्छा था। रिव्यू कैसा आया कस्टमर से? बहुत सपोर्टिव था, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और हम लोग धीरे धीरे जो है उस पर ग्रो अप किए। आप लोगों ने वाइब बहुत अच्छी बनाई है हर जगह बैठने की, बिल्कुल देखी है, लोगों ने इसकी तारीफ की, बहुत तारीफ की, क्योंकि क्या है कि एक वाइब अगर आप डेवलप कर देते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, तो यूथ, हम लोगों का मेन टारगेट रहता था यूथ, क्योंकि अपने पास यूथ का ही सारा प्रोडक्ट है, बर्गर, सैंडविच, रैप्स, मॉकटेल्स, ये सारी चीज़ें अपने पास अवेलेबल हैं। हम लोगों का सैंडविच और रैप बहुत ही ज़्यादा सबका फेवरेट है, एक अपना जो है जो भी आता है वो हम लोगों से सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलर पे ही रहता है, ये सारी चीज़ें तो यूथ को पसंद है, हम लोगों ने इसी को टारगेट किया और इसी पे हम लोग अभी भी वर्क कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। या वहाँ से लेके 9 आउटलेट्स तक आना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, सब में सबकी अलग अलग कहानियाँ हैं और सब जगह एक अलग एक्सपीरियंस मिला, बैड एक्सपीरियंस भी था, गुड एक्सपीरियंस भी था, तो अभी हम लोग। आपको पर्सनली कहीं जाना होता तो किस पे आपको अच्छा लगता जाना? सबसे अच्छा आउटलेट का क्या लगता है? अपना सबसे अच्छा आउटलेट मुझे पुणे लगता है, क्योंकि पुणे का क्या है कि क्या खास बात है वहाँ पे, वहाँ का एक अलग ही वाइब हम लोगों ने बनाया है और बहुत ही खूबसूरत। मैं आपको फोटोज प्रोवाइड कराऊंगा तो अपने जो भी अपने व्यूवर्स हैं वो देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि एक बार पुणे जाना चाहिए, क्योंकि पुणे का वाइब ही अलग है और वहाँ की यूथ भी बहुत ही अलग है, बहुत डिफरेंट है। पुणे के ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? पुणे के ऑडियंस से कहेंगे कि अपना जो आउटलेट है पिंपली निलाक में है, एक बार जरूर विजिट करें, और वहाँ की सबसे फेवरेट है बेस्ट सेलर पे जैगरी कोल्ड कॉफी है, तो वो बहुत ज्यादा बिकती है, तो एक बार पुणे वाले जो भी हैं एक बार जाएं, विजिट करें और टेस्ट लें। अभी हम लोगों का एक ऑफर, सेल्फी लेके इंस्टा में हमें जरूर टैग करें, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आपका आ रहा होगा, इसमें हमको जरूर टैग करें, बिल्कुल, क्योंकि अभी एक ऑफर हम लोगों ने स्टार्ट किया है, 1 रुपए में मैगी, तो उसका जो है आप लोग जो है आप ये ऑफर का जो है फायदा भी उठा सकते हैं और जाइए एक बार टेस्ट करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी वाइब भी है वहाँ पे। आपके बिजनेस पार्टनर के बारे में बताइए, टीपीडी के फाउंडर के बारे में बताइए, उनका क्या रोल है? वो मतलब क्या है कि इतना अच्छा पर्सन है, मुझे बिल्कुल चेंज किया उसने, तो हमने साथ में बैठ के बहुत सारी चीजें सीखी, उससे सीखी, क्योंकि वो क्या है कि वो बहुत मेहनती है, मैं जितनी मेहनत करता हूँ उससे जस्ट डबल मेहनत वो करता है, उसके जैसे मैं ड्रीम देखता हूँ वो भी ड्रीम देखता है, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं उसके,
तो उससे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली। नाम भी उसी ने ये सोचा कि ये हम लोग जो है अपना नाम ना रख के ब्रांड के पीछे उन्हीं का हाथ है। बिल्कुल उसी का हाथ है पूरा। मैं तो उसी को मतलब डेडिकेट करता हूँ कि सारा उसी की मेहनत है। मुंबई में भी उसी ने पूरी मेहनत की आउटलेट को कैसे करना है कैसे सजाना है। तो वो और बहुत हेल्पफुल है हर जगह उसने बहुत सपोर्ट किया। इसमें क्या करते हैं वो पूरा पूरा ऑपरेशन वही देखता है। मेरा काम रहता है फंड का और डेकोरेट का और सेफ का कैसे मैनेजमेंट करना है वो उसका पूरा काम रहता है कि कैसे कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करें कैसे ऑफर्स लाएं और पूरा इंस्टाग्राम देखना ये सारी चीज़ें वो देखता है। आप दोनों का क्या गोल है इसको कहाँ तक लेके जाना है टीपीडी को? हम लोगों ने तो 1000 आउटलेट सोचे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2030 तक हम लोगों के 1000 आउटलेट हों। अभी तो दो ही साल ही हुआ हम लोगों को। नौ कितने साल में हुए? दो साल के अंदर अभी हुआ है। अभी दो ही साल भी नहीं हुआ नौ आउटलेट हो गए। अभी अयोध्या में भी हम लोगों को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो भी चल रहा है इसी के नाम से टीबीटी के नाम से। हम लोगों ने अभी एक पानी की बोतल भी लॉन्च किया। हम लोग एक काम कर लेते हैं जिस शहर से सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे उस शहर का हम लोग एक व्लॉग बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप दोनों फाउंडर्स रहेंगे टीपीटी के उस आउटलेट का हम लोग सबसे व्लॉग बनाएंगे और अपने चैनल पे पोस्ट करेंगे। बिल्कुल अभी क्योंकि वो विश्वराज जी जो हैं अभी अयोध्या में आउटलेट का ओपन कर रहे हैं तो उसी में बिजी हैं तो इस वजह से मैं ही अवेलेबल था मैं ही बना रहा हूँ जी। उनको भी लाएंगे? बिल्कुल वो भी आएंगे वो भी अपने इनसाइट शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके सभी आउटलेट्स में सबसे बेस्ट सेलिंग आइटम्स क्या हैं जो हमारे व्यूअर्स को वहाँ के विजिट करके जरूर खाना चाहिए? अपने यहाँ सबसे ज़्यादा बिकता है चीजी पिज्जा रैप और जैगरी कोल्ड कॉफ़ी। ये अपने बेस्ट सेलर हैं तो कभी भी कोई भी अगर कस्टमर आता है तो हम लोग इसी को जो है प्रेफर करते हैं कि ये चीज़ आप एक बार टेस्ट करिए। जब ये चीज़ टेस्ट करते हैं तो फिर वो हर नेक्स्ट टाइम भी आएंगे या किसी को भी भेजेंगे तो उसी के बारे में बताएंगे कि हाँ फेवरेट बन जाता है तो उसका एक अलग ही टेस्ट है। तो हम लोगों का ये बेस्ट सेलर पर रहता है दोनों चीज़ें। तो देव भाई अगर आपका कोई टीबीडी मुंबई फूड फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है और उनको इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी उसमें? हम लोग अभी जो है अभी हम लोगों का आउटलेट क्या है कि अभी हम लोग नए हैं इस बिजनेस में जी। तो अभी हमारा ब्रांड बन रहा है धीरे धीरे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरों को सपोर्ट के लिए 8-10 लाख रुपए में उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टार्ट करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम? हाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सारा सेटअप हम लोग करके देते हैं। 1 मंथ का स्टॉक हो गया किचन इक्विपमेंट्स हो गया फर्नीचर हो गया लाइट का डेकोरेशन हो गया और टीवी हो गया लैपटॉप हो गया सॉफ्टवेयर हो गया सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करा के 8-10 लाख में दे रहे हैं। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि दूसरों को बिजनेस दे रहे हैं अपना अपना ब्रांड बना रहे हैं हम लोग। तो इस वजह से अभी कोई अगर, कोई हमारा व्यूअर अगर खोलना चाहता है उसके पास 8 लाख रुपए नहीं है तो क्या इसका कोई दूसरा भी है? हाँ अभी हम लोग क्या कर रहे हैं पार्ट्स में भी दे सकता है? नहीं अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंपनी हाफ पेमेंट कंपनी लग करती है हाफ पेमेंट जो अपना कंपनी का फ्रेंचाइजी लेता है उसको करता है। तो 8-10 लाख रुपए का हाफ कर लेते हैं उसका फिर आधा कंपनी वेयर करती है आधा अपना फ्रेंचाइजी जो ले रहा है वो करता है। तो क्या दोनों लोग सपोर्ट हो जाता है फिर हम लोग वो आउटलेट को दोनों लोग मिलके चलाते हैं। बहुत बढ़िया हो जाता है ना क्योंकि जिसको एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बिल्कुल। ना उनके पास एक ड्रीम है और कैपिटल है वो स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन उनके पास वो स्किल और एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल, आपके बिल्कुल। पास क्या स्किल और एक्सपीरियंस है तो एक दोनों एक दूसरे का साथ जब आ जाता है तो दोनों आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं दोनों का पूरा। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हमें क्या हमें ओपन करना है अपना आउटलेट और कैसे कहाँ कोई अच्छी लोकेशन मिल रही है अच्छे शहर में कोई लोकेशन अच्छी मिल रही है तो सपोर्ट हो जाता है एक दूसरे का और फिर हम लोग उसको आउटलेट को बहुत आगे तक ले जाते हैं। आप जॉब करोगे 10-12 हज़ार रुपये 15,000-20,000 रुपये में अगर आपने आउटलेट खोला तो मिनिमम 40-50,000 रुपीज आपका पर मंथ सेल है मिनिमम सेल है। लाख हाँ 1 लाख रुपीज तक आप उसको ले जा सकते हो पर मंथ और 2-3 लाख रुपए जो है पर मंथ बिजनेस होता ही होता है। जॉब में तो फिक्स है ना आप कितनी भी जॉब में आप फिक्स है आप जितनी मेहनत आउटलेट में करते जाओगे उतनी आपका जो है वो इनकम बढ़ती जाएगी। बिल्कुल तो इस तरह धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो अपना इनकम। तो देव भाई अगर कोई जॉब करेगा तो उसमें फिक्स होता है? बिल्कुल है ना उसका उसका आपका कितने भी इसमें आप जान लगा दो आपको सैलरी तो फिक्स ही मिलने वाली है लेकिन अगर कोई 8-10 लाख रुपए में आपकी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो आप उसको कैसे हेल्प आउट करोगे क्या क्या हेल्प आउट उसको करोगे आप अगर कोई क्या करोगे? बिल्कुल जैसे कोई अगर 8-10 लाख रुपये देता है हमारी फ्रेंचाइजी को तो हम लोग उसमें पूरा सेटअप करके देते हैं किचन इक्विपमेंट्स हो गया स्टाफ हो गया स्टाफ हायर करके हम लोग देते हैं सारा मेन्यू देते हैं उनको बना के टी शर्ट प्रोवाइड कराते हैं कंपनी की और जो वहाँ का सेटअप रहता है वाईफाई हो गया लैपटॉप हो गया टीवी हो गई ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कराते हैं और 1 मंथ का स्टॉक हो गया हम लोग उनका ITC से टाई अप हो रखा है।
तो जितना भी हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं वो सारा हम लोग ITC से प्रोवाइड कराते हैं, और ITC का ही हम लोग प्रोवाइड करा के, फसाई लाइसेंस हो गया, जोमेटो से टाई अप हो गया, स्विगी से टाई अप हो गया, सारी चीज़ें हम लोग 8-10 लाख रुपये में स्टार्ट करके देते हैं, और 1 मंथ तक हम लोग उसको चेक करते रहते हैं कैसे चल रहा है, कैसे क्या नहीं है। तो ये लोग हम लोग इतनी हेल्प करते हैं, मतलब आपके उनके जो इनिशियल जितने भी स्ट्रगल्स हैं आप उनको हटा देते हो? वो सब हटा देते हैं हम लोग, कितना हेल्प कर देते हैं कि उसको रन पे ले आते हैं हम लोग, 1 मंथ में रन पे आ जाता है, फिर वो अपना जो है किसी नए शहर के, अगर कोई हमारा व्यूअर देख रहा है उस शहर में आपका TBD वहाँ पे मौजूद नहीं है, वो लेना चाहता है, तो आप कैसे मार्केटिंग कैसे हेल्प करते हो, शुरुआत में कैसे हेल्प करोगे मार्केटिंग नाम बन जाए नए शहर में? नए के लिए कि हम लोग इंस्टाग्राम को फॉलो अप करते हैं, इंस्टाग्राम से हम लोग हेल्प करते हैं, लोगों को टैग करते हैं, वहाँ के लोकल लोगों को टैग करते हैं और ऑफर्स निकालते हैं, बैनरिंग करते हैं, तो इससे क्या होता है कि एक एटमॉस्फेयर बन जाता है इस आउटलेट का, और पहले से इतने ज़्यादा ब्रांडिंग कर देते हैं कि वो अच्छा सा आसान हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और फिर लोकल के लोग जो सपोर्ट रहता है वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अपनी चीज़ें क्या है कि यूथ से रिलेटेड चीज़ें हैं और अपना वेस्टेज नहीं है बिल्कुल भी, तो सपोर्ट हो जाता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है। एक लास्ट मैसेज जो आप देना चाहो, जो आपका रेस्टोरेंट का आउटलेट लेना चाहता है, कोई भी अभी आउटलेट लेना चाहता है, तो आप 8-10 लाख रुपये हम लोगों को पे करेंगे, हम लोग उसमें बहुत सारी हेल्प कर देंगे आपकी, आपको इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा, ना इंटीरियर का देखना पड़ेगा, ना आपको किचन इक्विपमेंट्स का देखना पड़ेगा, ना ही स्टाफ का देखना पड़ेगा, मेन प्रॉब्लम होती है स्टाफ की, तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं स्टाफ। देव भाई, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये मेरा पर्सनल एक सवाल है जो आपसे पूछना चाहता था, हाउ टू बिकम रिच, अमीर कैसे बने आपके हिसाब से? अमीर बनने का कोई ऐसा कोई की नहीं है कि आप अमीर बन जाए, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, अगर आप स्ट्रगल करोगे तो आराम से, कोई बड़ी चीज़ नहीं है रिच बनना। अभी मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं भी कोई रिच नहीं हुआ, कोई भी रिच नहीं होता है, मुकेश अंबानी भी काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं, बंद नहीं किया, बंद करेंगे तो फेल हो जाएंगे, तो आपको प्रोसेस का ही तो मजा है, परमानेंट काम कर दी ना, बिल्कुल परमानेंट काम करना ही पड़ेगा, अगर आप रुकेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, आपको काम करते ही रहना पड़ेगा, तो आपको कोई इसका कोई शॉर्ट की नहीं है, आपको मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे तो आप अमीर बनेंगे। मैं अगर किसी को 1 लाख रुपए कमाने तक पहुंचना तो क्या करना चाहिए, सबसे आसान तरीका? सबसे आसान तरीका 1 लाख, सबसे हार्ड तरीका भी बता दीजिएगा, पहले आसान फिर हार्ड। 1 लाख रुपए कमाना कोई इतना टफ नहीं है, आपको एक गोल सेट करना है कि हमें ये 1 लाख रुपए कमाने हैं, अपना बिजनेस सेट करना है, और उसके बाद फिर उसको धीरे धीरे, आज 4,000 फिर 10,000 फिर 20,000 फिर 50,000, धीरे धीरे करके आप उस तक पहुंच जाएंगे। तो कोई आज 1 लाख का सेट किया गोल, फिर 10 लाख का गोल सेट करो, 20 लाख का। कोई पर्सनल कैटेगरीज या फिर इंडस्ट्री आपको अच्छी लगती हो कि हाँ इस इंडस्ट्री में बूम आने वाला है, अगर मैं आपकी जगह होता या मैं छोटा होता खुद तो मैं इस इंडस्ट्री में जाता और 1 लाख रुपए कमा के दिखाता? देखिए कोविड आए या कुछ भी हो, फूड इंडस्ट्री ऐसी है कि कभी बंद नहीं होगी। कपड़ा मकान तो रोटी तो खाना ही खाना है ना, रोटी खाना थोड़ी बंद कर देगा। आप कपड़ा नहीं पहनोगे, आप जूते नहीं खरीदोगे, लेकिन जो है खाना जरूरी है, और जोमेटो ऐसी चीज है कि आप वहां से ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, क्लाउड किचन चलने ही चलने, तो ये सारी चीजें फेल कभी नहीं होंगी, और हमेशा बिजनेस चलेंगे। क्लाउड किचन एक अच्छी चीज है, 2-3 लाख रुपए में आपका क्लाउड किचन स्टार्ट हो जाता है, और आप क्लाउड किचन भी ले सकते हैं TBD मुंबई फूड का, उससे ही आप अच्छा खासा जोमेटो से ऑर्डर ले सकते हैं, स्विगी से ऑर्डर ले सकते हैं, लोकल की एप्स कई सारी हैं मुंबई पुणे में, तो काफी सारी लोकल एप्स हैं, तो उसमें भी आप सपोर्ट कर सकते हैं और क्लाउड किचन चला सकते हैं, उसमें आपको रेंट भी इतना ज्यादा नहीं रहता है, ना आपको फर्नीचर का इतना देखना पड़ता है, ना आपको रेंट लाइट का इतना देखना पड़ता है, तो सारी चीज़ें बहुत ही कम चीज़ों में स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आपको दोबारा 18 साल होने का मौका मिले तो आप क्या, कौन सा बिजनेस आप दोबारा चूज करते हैं? ये हम लोगों ने इतना लेट जो किया है, अभी मैं 27 ईयर्स ओल्ड हूँ, अगर 18 साल का होता तो आज ये 1000+ जल्दी स्टार्ट करते TPD मुंबई फूड हो चुका होता, उस समय अगर आइडिया आया होता तो, कोई नहीं, जितना लेट हुआ उससे इसका एक सारी चीजें, सेम माइंडसेट के साथ आप इसी बिजनेस में घुसते या किसी और जगह जाते? इसी बिजनेस में घुसते और इसी से खूब सारा पैसा कमाते हैं। कोई मूवीज आपको जो बहुत पसंद हो और एंटरप्रेन्योर्स को देखनी चाहिए? द सोशल नेटवर्क एक बहुत अच्छी मूवी है, द फाउंडर, दोनों मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत इंस्पिरेशन मूवी है। फेसबुक की पूरी कहानी है उसमें? बिल्कुल फेसबुक की कहानी है कि कैसे आप जीरो से स्टार्ट करते हैं और आज कहाँ हर इंसान के पास वो चीज़ है, तो आपको पहले कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, देन आप जब ग्रोथ करते हो तो फिर वही लोग आपको सपोर्ट करने लगते हैं। उसमें पूरी चीज़ दिखाएगी, अप एंड डाउन जरूर दिखाएगा कि पार्टनर्स के संग कैसे बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स
तो लगा ही रहता है, उसका कोई वो नहीं है। वो जब अप्स एंड डाउन आएंगे तभी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और फिर आप आगे कैसे फेस करेंगे वो सही चीज़ें आपको नज़र में आने लगेंगी, तो आप ग्रोथ करोगे। जितनी भी आपको अप्स एंड डाउन आएंगे आप समझो उतना हम ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई कोई बुक्स जो आपको बहुत पसंद हो जो आप पढ़ते हो? द साइकोलॉजी ऑफ मनी मैंने पढ़ी है, बहुत बढ़िया। उसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप कैसे छोटे छोटे गोल्स आप सेट करिए। मनी के ऊपर मुझे लगता है सबसे बेस्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। उससे कई सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, आप भी पढ़ो, उसमें कई सारी चीज़ें सीखो। छोटे छोटे गोल आप सेट करोगे, आज 100 रुपये सिंपल भी है, सिंपल भी है, बहुत सिंपल है, उसकी बहुत सिंपल है, कोई इशू नहीं है ऐसा। कुछ का एक कोई अगर कुछ आपको याद हो जो आप शेयर करना चाहते हो उस बुक से? उसमें एक तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि आपको छोटे छोटे गोल सेट करने हैं कि आज मैं 100 रुपये बचा रहा हूँ, फिर 2 दिन बाद मैं 200 रुपये बचा रहा हूँ, फिर 300 रुपये से 400, फिर धीरे धीरे 1000 आप बचाने लगोगे। तो धीरे धीरे चीज़ें आप उसमें सेट कर सकते हैं, कंपाउंडिंग। तो यही सेम चीज़ें शेयर मार्केट में होता है, SIP यही हम लोगों को सिखाती है, तो सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और अगर आप जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए फ्यूचर के लिए सेट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। मस्ट रीड बुक, बिल्कुल। आपका फेवरेट बिजनेसमैन कौन है, एंटरप्रेन्योर, जिसको आप देखते हो? अभी तो मैं अनुभव दुबे को देख रहा हूँ, क्योंकि वो अभी मेरे जैसा ही है, यूथ है, और बहुत ही ज़्यादा वर्क, बहुत जेन्युइन लगते हैं मुझे, बहुत जेन्युइन लगते हैं, बिल्कुल सिंपल नेचर है, और बहुत ही सपोर्टिव है, सबका सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं मेरे से भी बात बात होती रहती है, तो बहुत ही जल्दी हम मिलने वाले हैं, और इस कंपनी को कैसे और ग्रोथ करना है उनके साथ सीखेंगे, उनके आइडियाज़ लेंगे और अपने भी आइडियाज़ शेयर करेंगे, तो ये हम लोग देख रहे हैं। तो देव भाई जी, लास्ट में जो बिजनेसमैन बनना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, उनके लिए लास्ट एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे? एडवाइस ये है कि आप जो है कोई भी बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप कैपिटल रखो, जगह अच्छी से ढूंढो, और उसके बाद फिर उस पर काम करो। एक दो जितनी जल्दी आप एक्शन जितनी जल्दी आप एक्शन लोगे उतना ही जल्दी आपको काम स्टार्ट होगा। अगर आप जितना भी डिले करोगे फिर वो कोई और चुरा लेगा और फिर वो स्टार्ट कर लेगा, तो आपको एक्शन क्विक एक्शन लेंगे, फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल, एक्शन जितनी जल्दी लोगे उतना जल्दी आपको काम मिलेगा और काम स्टार्ट होगा आपका। शायद मैंने जब इस क्वेश्चन पूछा था हाउ टू बिकम रिच, उसका भी शायद बिल्कुल बस सेम ये आंसर है कि आप जितनी जल्दी आप एक्शन लोगे, बिल्कुल एक्शन ले जल्दी फेल हो, बिल्कुल एक्शन ले जल्दी फेल हो, और जितनी जल्दी फेल होगे उतनी जल्दी फिर से एक्शन लोगे, दोबारा एक्शन लोगे, फिर जल्दी सपोर्ट होगा। तो ये सारी चीजें होती है, जितना आप फेल होगे उतना आप बढ़ दोगे। अगर आपने फर्स्ट टाइम ही अगर अचीव कर लिया तो फिर कुछ सीख नहीं पाओगे आप। बढ़िया देव भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। दोबारा आप आइएगा जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी कमेंट्स आएंगे आप कमेंट्स करिए नीचे, देव भाई से पूछिए। बिल्कुल, मैं सबका सपोर्ट करूंगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, फूड इंडस्ट्री में आने के लिए सारा सपोर्ट करेंगे। जोमेटो स्विगी से कैसे टाई अप करना है, फसाई, आपका फायर लाइसेंस, सारा सपोर्ट करेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा आपको आज का पॉडकास्ट, और कौन से क्वेश्चन हैं आपके मन में जो आप हमसे या फिर देव भाई से पूछना चाहते हो? आप उस क्वेश्चन को कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ट्राई करेंगे आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देने की नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और आप हमें कुछ सजेशन दीजिए कि आप और किसी इस PBA पॉडकास्ट पर देखना या सुनना चाहते हो, हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि आप किस टॉपिक्स पे या फिर किस पर्सन को इस PBA पॉडकास्ट पे सुनना चाहोगे। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर्सन को यहाँ पे बुलाने की और आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट लाइक दिस। थैंक यू।